हाय एवरीवन, अपना जो रिवीजन लेक्चर का जो सीरीज चल रहा था उसमें कॉस्टिंग का पार्ट वन मैंने डाल दिया था। ये सेकेंड एंड लास्ट पार्ट कॉस्टिंग का, जिसमें बैलेंस जो कॉस्टिंग के चैप्टर्स हैं वो हम देखने वाले हैं कि थ्योरी क्वेश्चन के लिए कौन से चैप्टर से कौन सा चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, गले में थोड़ा इन्फेक्शन है मेरे, और सिंस थोड़ा बहुत क्लास लेता हूं तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो, ओवरहेड चैप्टर है। ओवरहेड चैप्टर में हमने देखो क्या पढ़ा था। हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन इस पे पूछते, इंपॉर्टेंट मार्क करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा, आज तक पूछा नहीं है, कभी पूछ दे तो इंपॉर्टेंट वैसे भी हो सकता है। मे बी डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो जो कि डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा है। ठीक, और कुछ खर्चे का एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। पहला जो इंपॉर्टेंट है ये मार्क करो, बेसिस ऑफ एपोर्शनमेंट, कि ओवरहेड का कौन सा खर्चा कौन से बेसिस पे एपोर्शन होता है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे यहाँ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ओवरहेड का क्या, आपने जो नॉर्मल लेक्चर है 1 घंटे 1.25 घंटे की आपकी, जिसमें मैंने ओवरहेड को प्रैक्टिकली बनाया है, पढ़ाया था प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमने ये किया हुआ है। तो मैंने वहां पे बताया था कि जो भी चीज जो मैं प्रैक्टिकल पढ़ाते टाइम बता रहा हूँ आपको ना, अगर आपको याद ना हो तो एक बार रिवीजन लेक्चर आप देख सकते हो प्रैक्टिकल का, जहाँ पे हमने क्वेश्चन भी बनाए थे। तो वो चीज डुप्लीकेसी करने का कोई मतलब नहीं। मैंने बताया था बिल्डिंग से रिलेटेड जितने खर्चे हैं, फ्लोर एरिया या वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट के बेसिस पे, जैसे रेंट हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, बिल्डिंग की हीटिंग लाइटिंग हो गई, एयर कंडीशनिंग हो गई, एसेट से रिलेटेड खर्चे हैं, एसेट का डिप्रिसिएशन, एसेट का इंश्योरेंस, ठीक है, एसेट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वैसे ही मान लो स्टॉक का इंश्योरेंस है तो स्टॉक की वैल्यू के अनुसार, ठीक, वर्कर से रिलेटेड सारे खर्चे नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे बटेगा, जैसे टाइम कीपिंग, कैंटीन, वेलफेयर, सुपरविजन, परक्यूजिट, ये सारे चीजें आप ध्यान दे देना। ठीक है, मैंने डिटेल में वहां पे पढ़ाया हुआ है ओवरहेड पढ़ाते टाइम, तो इसलिए ये चीज बस आपने पढ़ी है, बस इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, ये यहाँ पे मार्क करते हैं। जो चीज मैंने नहीं पढ़ाया था वो चीज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और जो चीज मैंने पढ़ा दिया है वो चीज आपको उस लेक्चर को रेफर करनी चाहिए। ओवरहेड की अपने जो नॉर्मल रिविजन लेक्चर है वहां पे ये चीज हमने पढ़ा है। थोड़ा सा ये रिकवरी रेट याद रखना बस मीनिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन के लिए। क्या है सर? ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन, अगर अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन हो गया ओवरहेड का, तो क्या ट्रीटमेंट है? तीन ट्रीटमेंट मैंने पढ़ाया था वहां पे, जिसपे सप्लीमेंट्री रेट वाले पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़े थे। वैसे इसको भी बताया था मैंने, ओवरहेड अंडर ओवर है तो एक तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट कॉस्टिंग पीरियड में, एक मेथड है कि कॉस्टिंग पीएल में डाल दो, अंडर रिकवरी है डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल लॉस है, ओवर रिकवरी है हमारे लिए गेन है, क्रेडिट कर देंगे कॉस्टिंग पीएल को। तो तीनों मेथड के बारे में दो दो लाइन लिख दोगे अगर थ्योरी क्वेश्चन आया तो। सेकेंड थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, थर्ड थ्योरी क्वेश्चन, तीन हो गए ना, एक दो और एक मैंने ये पढ़ा था ना अभी आपको थ्योरी क्वेश्चन के लिए, तीन थ्योरी क्वेश्चन हो गए। थर्ड थ्योरी क्वेश्चन कहाँ से बनता है? टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, देखो एक होता है मैक्सिमम इंस्टॉल या रेटेड कैपेसिटी, जितने घंटे भी आप ऑपरेट करते हो, आपकी फैक्ट्री चलती है, आप काम करते हो, मैक्सिमम पूरे साल में कितने घंटे कर सकते हो, 365 डेज ले लो, इंटू कर दो जितने घंटा पर डे काम करते हो, पर रियली में क्या इतना घंटा, अरे ये तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्या इतना घंटा हम कर पाते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ हॉलीडे वगैरह भी तो देनी पड़ेंगी, मान लो फेस्टिवल है उसकी हॉलीडे, कुछ आइडल टाइम हो सकते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, कुछ मशीन ब्रेकडाउन हो गया, रिपेयर वगैरह करना पड़ा, सेटअप करना पड़ा, वो सारे समय घटाने के बाद जो आता है ना, मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, मान लो संडे को लीव है तो संडे 52 संडे इंटू 8 आवर्स, ये भी घंटे घटा दो तो ये सारे घटाने के बाद क्या आता है? प्रैक्टिकल कैपेसिटी, कि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है,
एक होता है एवरेज या नॉर्मल कि पास्ट पीरियड को देख लो, पास्ट में आप कितनी कैपेसिटी काम करते थे, कितने आवर्स काम करते थे, उसी का एवरेज कर दो। एक होता है एक्चुअल कि एक्चुअल कॉस्टिंग पीरियड में, कि एक्चुअल मान लो एक साल है कॉस्टिंग पीरियड, तो एक्चुअल एक साल में कितना आपने किया रियल में, एक्चुअली वो बोलते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। अगला थ्योरी क्वेश्चन, ओवरहेड रेट। देखो एक होता है प्री डिटरमाइंड रेट, इसी को मैं पढ़ाते टाइम रिकवरी रेट बोलता था, कि बजटेड ओवरहेड ऊपर ले लो और बजटेड बेस से डिवाइड कर दो। बेस क्या हो सकता है? मशीन आवर हो सकता है, लेबर आवर हो सकता है सर, ठीक है, बजटेड बेस। एक होता है नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट मीन्स वेयर ओवरहेड रेट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग एक्चुअल ओवरहेड बाय एक्चुअल बेस, ठीक। ये तभी पॉसिबल है जब आपको एक्चुअल ओवरहेड पता हो, ठीक है। ब्लैंकेट एंड डिपार्टमेंट में क्या फर्क है? ब्लैंकेट को सिंगल ओवरहेड रेट भी बोलते हैं। पूरी फैक्ट्री के लिए अगर एक ही ओवरहेड रेट निकाल के पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्लैंकेट, ठीक है। ओवरहेड फॉर फैक्ट्री डिवाइड बाय बेस फॉर फैक्ट्री, और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ओवरहेड रेट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट पे चार्ज करने के लिए, उसको बोलते हैं मल्टीपल या डिपार्टमेंट ओवरहेड। डिपार्टमेंट का ओवरहेड ऊपर ले लो, उस डिपार्टमेंट का बेस से डिवाइड कर दो। मशीन और तो मैंने पढ़ाया ही था प्रैक्टिकल पढ़ते टाइम। ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम, इसमें 5-7 आइटम मैंने लिखा है, कितना है? 12 आइटम है, 13 आइटम है। इनमें से कोई ना कोई आते रहते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आइडल टाइम। आइडल टाइम का ट्रीटमेंट कंफ्यूज मत होना, लेबर में भी हमने आइडल टाइम पढ़ा। अरे आइडल टाइम जब होगा तो लेबर तो काम नहीं कर रहा था, तो हमने लेबर में ये पढ़ा था कि लेबर को जो पेमेंट करेंगे उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। पर आइडल टाइम होगा, आइडल टाइम होगा मान लो मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तो सिर्फ लेबर नहीं, जो ओवर हेड लग रहे हैं फैक्ट्री का, तो रेंट लगेगा चाहे 10 दिन फैक्ट्री बंद रहे, है कि नहीं? तो ओवर हेड का क्या ट्रीटमेंट करेंगे आइडल टाइम का, वो यहाँ पड़ रहे हैं। अगर नॉर्मल है तो जाहिर सी बात है आइडल टाइम का कॉस्ट हम रिकवर करते हैं कैसे? सप्लीमेंट्री रेट यूज करके। सप्लीमेंट्री रेट पता है आपको, अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन। सप्लीमेंट्री रेट से कैसे रिकवर करते हैं, सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलता है? जो भी अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन है उसको सप्लीमेंट्री रेट ने लगा के यूनिट पे बांट देते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल है तो जाहिर सी बात है कॉस्टिंग पीएल में जाएगी। सीजनल फैक्टर से हो रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं बाय इन्फ्लेटिंग ओवरहेड रेट ही बढ़ा दो। ओवरहेड रेट कैसे बढ़ा दो? कैसे बढ़ा दो? तो ओवरहेड को ले लो, नीचे जब आवर से डिवाइड करोगे ना तो आवर में घटा दो, आवर जो आइडल टाइम है ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा। ट्रेड डिप्रेशन है कि मंदी चल रही है इस वजह से ये आइडल टाइम है, तो डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल, ये भी अब नॉर्मल रीजन जैसा ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, दो व्यूज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। एक व्यूज कहता है कि कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोशनल खर्चा है। एक व्यूज कहता है कि कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो डिफिकल्ट भी होता है डिपार्टमेंट में पोर्शन करना, किस बेसिस पे पोर्शन करेंगे इस ओवरहेड को, और दूसरा भी यूज कहता है कि इंक्लूड होनी चाहिए, ये तो कैपिटल पे रिवार्ड है कि नहीं? दोनों भी यूज आपको लिखना है। कस्टमर इम्प्लॉय वेलफेयर क्या है? खर्चा है ओवरहेड का, खर्चा है डिपार्टमेंट में बांट देंगे नंबर ऑफ इम्प्लॉय के बेसिस पे। बैड डेप्ट, इसके भी दो भी यूज है। एक भी यूज कहता है ये फाइनेंशियल लॉस है, यहाँ पे कॉस्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं। याद करो रिकॉन्सिलेशन में भी हम लोग फाइनेंशियल लॉस मान रहे थे। और एक व्यूज कहता है नहीं सेल से रिलेटेड है ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डाल दो अगर नॉर्मल है तो, अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएल। ट्रेनिंग कॉस्ट ओवरहेड है, डिपार्टमेंट पे डालना पड़ेगा, है कि नहीं? ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट का है, जाहिर सी बात है ट्रेनिंग देने वाला डिपार्टमेंट सर्विस ही डिपार्टमेंट होगा। सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड तो बाद में प्रोडक्शन पे ही चार्ज होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। याद आ रहा है कुछ? चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट क्या खर्चे, डायरेक्ट खर्चे, ठीक। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक कैसे बांटेंगे डिपार्टमेंट में? तो जो डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू होगी, क्योंकि महंगा वैल्यू का आइटम का इंश्योरेंस भी ज्यादा होगा, है कि नहीं, उसके बेसिस पे। पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है, सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है। कॉस्ट शीट में आपने यही पढ़ा था? हाँ जी सर, यही पढ़ा। स्मॉल टूल दो तरीके है, एक तरीका जो डिपार्टमेंट यूज कर रहा है वो सीधा अपने खर्चे में दिखा दे उसको ओवरहेड में, दूसरा तरीका है
ये सीधा खर्चे में ना दिखा के आप दो काम कर सकते हैं दूसरे तरीके में। डिप्रिसिएशन चार्ज करो, जो भी डिप्सन है वो फैक्ट्री ओवरहेड है, या फिर रिवैल्यू करो, रिवैल्यू वैल्यू में से कॉस्ट घटा दो, ये जो भी लॉस आ रहा है ना रिवैल्युएशन लॉस, रिवैल्युएशन लॉस उसको आप क्या करो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दो। तो रिवैल्युएशन या डिप्रिसिएशन आप कर सकते हैं सेकेंड व्यू के अनुसार, पहले व्यू के अनुसार पूरा ही डाल दो ले जाके डिपार्टमेंट के ओवरहेड में। डिप्सन क्या है सर? फैक्ट्री ओवरहेड है, कैसे बटेगा? एसेट के वैल्यू के अनुसार बांटते थे ना डिपार्टमेंट में, है कि नहीं? फैक्ट्री में होने वाले एसेट या फैक्ट्री की बिल्डिंग, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, फिलहाल हम फैक्ट्री ओवरहेड ही देख रहे हैं यहाँ पे। मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा ओवरहेड है, कैसे बटेगा? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्टोर इन अ फैक्ट्री, जितना मटेरियल स्टोर हुआ है ना मटेरियल हैंडल, उसी रेशियो में मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा बांट देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ यहाँ पे मेरे को पढ़ाना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने छोड़ दिया था चैप्टर नंबर वन में बोल के, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। देखो दो किस्म का रिसर्च होता है, एक बेसिक और एक अप्लाइड। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या हुआ? देखो हर एक कंपनी को हमेशा कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहनी चाहिए, करती रहनी पड़ती है, सॉरी, है कि नहीं? जो भी कंपनी है, मान लो कोई सैमसंग है, एप्पल है, वो दिन रात रिसर्च करते होंगे नए चीज निकालने के लिए, उसको बोलते हैं बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च मतलब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, कि प्रोडक्ट में नए फीचर कैसे डाले जा सकते हैं, ये वो, उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। बेसिक रिसर्च क्या है भैया? जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दो, ठीक, अमाउंट लार्ज है तो ओवर द पीरियड 2 साल 3 साल में अपोर्शनमेंट करके चार्ज करो। अनसक्सेसफुल रिसर्च कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जो खर्चे तो लग जाते हैं और अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। सक्सेसफुल होते तो क्या करते जो भी उसका कॉस्ट है कैपिटलाइज कर देते, और अनसक्सेसफुल है तो क्या करोगे? अगर एक्सपेंस नॉर्मल था, बजटेड था, हमें पता था कि हमने नॉर्मल कोर्स में ये खर्चा किया है और बजट करके किया था, फैक्ट्री ओवरहेड है, बजटेड नहीं था, अब नॉर्मल हो गया, पीएल में भेज दोगे, कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखोगे थ्योरी क्वेश्चन के लिए। कुछ चीजें हैं मान लो सॉरी, अगर प्रैक्टिकल पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो कई बार ना उसी प्रैक्टिकल से निचोड़ के एक थ्योरी पूछ लेता है, तो वो तो जाहिर सी बात है जब आप रिविजन लेक्चर देखे रहोगे आराम से आप बना दोगे। एक्सक्लूसिव को जो थ्योरी ही बनते उस पर वो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन हमने देखा। ओवरहेड हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आ जाओ। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में थ्योरी के। पहले जो मैं चैप्टर वन में रिवाइज कराते टाइम बोला था कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस, तो मैंने बोला था यहाँ पढ़ाया है, वैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया है तब भी छोटा मोटा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। याद आ रहा है कुछ इस फिगर को देख के कि सर जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे रेवेन्यू है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है कि नहीं? पर फाइनेंशियल अकाउंट में वो तो आते ही है, कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं एक्सपेंस का या रेवेन्यू का जो फाइनेंशियल अकाउंट में होते हैं कॉस्ट अकाउंट में नहीं, जैसे टैक्सेशन, रिफंड आ गया कोई, बैड डेब्ट हो गया, है कि नहीं, राइट ऑफ का खर्चा हो गया, जैसे प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, ये सब। दूसरा मैंने क्या बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है, फाइनेंशियल अकाउंट में कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तीसरा मैंने बताया था ओवरहेड, यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट में रिकवरी रेट के बेसिस पे रिकवर्ड ओवरहेड लेते हैं, जिसकी वजह से अंडर ओवर रिकवरी, मतलब दोनों में डिफरेंस आता है ओवरहेड का, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रखोगे। कई बार पूछता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी में एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है, क्यों रिकन्सिलेशन करनी पड़ती है, यही सब रीजन है जो अभी हम पढ़ रहे थे। पहला कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ ऐसे, फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में होते ही नहीं है। दूसरा, फाइनेंशियल अकाउंट में नोशनल खर्चे नहीं होते, कॉस्ट अकाउंट में होता है। तीसरा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये भी मैंने बता दिया। चौथा, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड दोनों में अलग हो सकते हैं, एक में रिकवर्ड होता है एक में एक्चुअल, दोनों का अमाउंट अलग हो सकता है। पांचवा, ये भी रीजन हो सकता है, डिफरेंस में मत लिखना पर रीजन पूछे दोनों का प्रॉफिट क्यों चेंज होता है, तो ये पॉइंट लिखना, यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्या? मटेरियल प्राइसिंग, मटेरियल देखो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालने के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंट फीफो मेथड लिया है
और कॉस्ट अकाउंटिंग वेटेड एवरेज लिया है, तो कॉस्ट ही अलग आ जाएगा तो वैल्यूएशन भी अलग आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना दूसरा इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कुछ याद आ रहा है? ये तो पूरी चैप्टर ही पढ़ाया है मैंने, और इतनी अच्छे से पढ़ाया है डिटेल में कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसका डिफरेंस आएगा, दूसरा थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीन थ्योरी क्वेश्चन, वैसे एक वो जो था ना कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, उसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है सेकंड जो मैंने बताया कि वो प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है, या फिर सीधा उन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। चलो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का डिफरेंस मैंने वैसे तो पढ़ा दिया था थोड़ी बहुत, अब छोटा ही है तो यहीं पे फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था सर, नॉन इंटीग्रल में कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट का दोनों अलग अलग बुक बनता है, इसमें सेम बुक बनता है। तो इसमें दो अलग अलग बुक बनते हैं तो दो प्रॉफिट आते होंगे, कॉस्टिंग का अलग फाइनेंशियल का अलग, तो इसमें एक ही प्रॉफिट आता होगा, बुक एक ही बनता है। तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली है ये कम, क्यों? क्योंकि इसमें दो सेट ऑफ बुक बनाने हैं ना, प्लस इसमें एक रिकॉन्सिलेशन भी तो करनी पड़ेगी। इसी पॉइंट में लिखा है दूसरे में, सिर्फ दो प्रॉफिट है तो रिकंसिलेशन भी करनी पड़ेगी, इसमें वो रिकंसिलेशन का झंझट नहीं आता। ये नोशनल को एक्सपेंस से डील करता है, क्यों? कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट अलग है तो कॉस्ट अकाउंट में नोशनल एक्सपेंस तो आएगा, इसमें एक ही बनता है तो जाहिर सी बात है नोशनल एक्सपेंस डालेंगे ही नहीं, है कि नहीं? चलो ये चार पांच डिफरेंस है। ये सारे आइटम जो फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ आते थे, ठीक, ये इसमें नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में लेने की जरूरत नहीं है ना, पर इसमें जो एक ही सेट ऑफ बुक्स है उसमें तो डालना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही बुक बन रहा है, तो सारे कॉस्टिंग फाइनेंशियल दोनों का मिश्रण बनता है वो। चलो ये इंपॉर्टेंट था। अगला ज्वाइंट ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, एक तो ये पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, या फिर इनके मीनिंग। देखो मीनिंग में ही डिफरेंस छूटा है यार, डिफरेंस पढ़ा दूंगा तो मीनिंग लिख दोगे, ठीक। क्या होता है, जब भी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन के निकलते हैं एक कॉमन प्रोसेस से, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट हो सकते हैं या बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। ज्वाइंट प्रोडक्ट में होता क्या है कि दोनों प्रोडक्ट, मान लो ए और बी निकला, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के, इक्वल वैल्यू के होते हैं लगभग, पर बाई प्रोडक्ट में क्या होता है, मान लो ये मेन है और ये बाई है, बाई प्रोडक्ट, तो ये हाई इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि ये ज्यादा इंपोर्टेंस की प्रोडक्ट है, और ये तो छोटा मोटा तीजू पिजू प्रोडक्ट जो निकल जाता है एक बनाने के चक्कर में, दूसरा भी इंसिडेंटल बन गया, वो है पहला डिफरेंस। तो ये लिखोगे ज्वाइंट प्रोडक्ट सिमल्टेनियसली दोनों बनते हैं, कि दोनों ही बनाने का हमारा इंटेंशन था, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल का यूज करके डीजल और पेट्रोल बनाने थे, पर बाई प्रोडक्ट में क्या होता है, मेन प्रोडक्ट बनाने गए होते हैं, बाई प्रोडक्ट तो इंसिडेंटल, कि उसका नेचर ऐसा है कि खुद ही बन जाएगा। सुगर कैन बनाओ तो मोलेसेस खुद ही निकल जाएंगे, आप निकालने थोड़ी ना गए थे मोलेसेस, ठीक है, ध्यान रखना। ज्वाइंट एंड बाई का डिफरेंस और मीनिंग भी पूछ सकता है। अच्छा ज्वाइंट पोर्शन कभी पूछेगा ये मेथड, तो नॉर्मल पूछ सकता है, लिखने जितना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली चैप्टर बनाने के लिए तो ये मेथड पढ़ोगे, तो थ्योरी में पूछेगा तो दो चार लिख नहीं सकते। ये पूछ सकता है बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट, हमने पढ़ा था ना बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट, अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता है बाई प्रोडक्ट का, जनरली स्मॉल वैल्यू बाई प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता है, तो दो मेथड, अदर इनकम अप्रोच, नॉर्मल लॉस अप्रोच। अदर इनकम अप्रोच में क्या करते थे कि जो भी सेल वैल्यू आया कॉस्टिंग पीएल में भेज देते थे, और ज्वाइंट कॉस्ट का जो भी ज्वाइंट कॉस्ट है पूरा मेन प्रोडक्ट पे बांट देते थे। नॉर्मल लॉस अप्रोच में क्या होता था, बाई प्रोडक्ट का जो सेल वैल्यू आया वो ज्वाइंट कॉस्ट में से घटा दो और बैलेंस कॉस्ट बांट दो मेन प्रोडक्ट पे। फर्दर प्रोसेसिंग होता था तो ये मेथड अप्लाई करते थे, रिवर्स कॉस्ट मेथड, कि रिवर्स कॉस्ट लेके ज्वाइंट कॉस्ट का, सॉरी बाई प्रोडक्ट का वो निकाल लो शेयर ज्वाइंट कॉस्ट में, अब बचा हुआ शेयर मेन प्रोडक्ट का है। ये चीज मैंने वहां पे अच्छे से ज्वाइंट एंड बाई का जो रिवीजन लेक्चर है डिटेल में पढ़ा रखा है, बस यहाँ मेरा पर्पस है आपका बताना और थोड़ा बहुत रिवीजन कराना। जो चीज डिटेल में पढ़ा रखा है उसको दोबारा दोबारा पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज होगा और कुछ नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है जो पहला अपना ये मार्जिनल एंड ऑब्जॉर्प्शन का डिफरेंस,
कि मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या होता है। मार्जिनल को वेरिएबल डिफरेंशियल या डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक, याद है कुछ कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट क्या था, पीरियड, और इसमें फिक्स कॉस्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट था। इसमें ये रिलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम नहीं आता। मैंने बोला था ये रेगुलर प्रोडक्ट के लिए काम आता है, जो कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया है। ये न्यू प्रोडक्ट, नया ऑफर ऑफर आया तो डिसीजन मेकिंग में काम आता है। इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन का मेन फोकस होता है कि जो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी वो कंट्रीब्यूशन है। इसमें प्रॉफिट पर यूनिट की, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट है। ठीक, इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स वेरिएबल दोनों लेते हैं, इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माना जाता है। देखो ये चीज मैंने पढ़ाया था वहां पे और बोला भी था, दोबारा रिवीजन लेक्चर में वो चीज कवर नहीं करूंगा, सिर्फ बता दूंगा। ठीक, तो अगर आपको आराम आराम से डिटेल में पढ़ना है तो मार्जिनल की रिवीजन लेक्चर देखो, वहां पे क्वेश्चन भी हमने किया था, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन पढ़ने के बाद। शॉर्ट डाउन कुछ याद आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कराते टाइम शॉर्ट डाउन कॉस्ट था। वैसे तो शॉर्ट डाउन ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट डाउन पॉइंट के बारे में कुछ लिखने को आ सकता है, फॉर्मूला याद रखना। और शॉर्ट डाउन कॉस्ट में क्या पढ़ा था, वो कॉस्ट तो टेम्पोरली शॉर्ट डाउन होने के बाद भी इनकर्ड होते हैं, जिसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। चलो और कॉस्ट इंडिफरेंस के बारे में थोड़ा याद रखना। कॉस्ट इंडिफरेंस मतलब जहाँ दो अल्टरनेटिव में टोटल कॉस्ट सेम है उसको बोलते हैं कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, है कि नहीं, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। तो थोड़ा कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट के बारे में भी याद रखना। चलो अब फॉर्मूले तो आप प्रैक्टिकल के लिए याद रखोगे, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, लगभग सब अटेम्प्ट में आता है मार्जिनल का क्वेश्चन। जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला तो ये बनता है कि सर जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस बताओ। देखो जॉब कॉस्टिंग जब भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अनुसार कोई काम बनाते हैं, जैसे कोई कंपनी है, मान लो मैं एडवर्टीजमेंट डिजाइन करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं उसके रिक्वायरमेंट अनुसार एडवर्टीजमेंट बनाऊंगा। कि मान लो कोका कोला कंपनी के लिए जो एडवर्टीजमेंट बनाया था वही एक गारमेंट कंपनी को दे दूंगा कि ये लो एड चला दो, ऐसा नहीं होता ना। वैसे ही बुक प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट अनुसार, तो जहाँ भी हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जहाँ पे गुड्स बैच में बनते हो, याद करो मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़ाया था जब चैप्टर 1 में, तो वहाँ बोला था मेथड ऑफ कॉस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, मेथड ऑफ कॉस्टिंग आपको याद रखना है। बैच कॉस्टिंग कहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ गुड्स बैच में बनते हैं, जैसे मेडिसिन बैच में बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्किट बैच में बनता है, रेडियो बैच में बनता है, ये सब बैच कॉस्टिंग यहाँ पे यूज होता है। तो दो ऐसे ही हो गया एग्जांपल, और ये इसमें जॉब कॉस्टिंग में हमारा पर्पस होता है कॉस्ट पर जॉब, एक जॉब का कॉस्ट कितना है निकालना, पर इसमें कॉस्ट पर बैच। जॉब कॉस्टिंग में हम फोकस करते हैं जॉब सीट बनाने पे, इसमें हम फोकस करते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालने में, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कितना है, एक बार में एक बैच में कितना क्वांटिटी बनना चाहिए कि हमें सस्ता पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस में क्या होता है, कॉस्टिंग कट में सर्टेन परसेंटेज जोड़ के कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एश्योर्ड होता है, प्रॉफिट होगा। ठीक, ये फिक्स प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले ही फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एश्योर्ड नहीं होता, प्रॉफिट जरूरी नहीं हो, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना दोनों के बारे में, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा बेसिक टर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बेसिक टर्म को एकदम डिटेल में चैप्टर पढ़ाने से पहले मैंने पढ़ाया था, तो ये आप कहाँ से देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की रिवीजन लेक्चर से, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार छोटे 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 चीज में पूछेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की रिवीजन लेक्चर में आप बेसिक टर्म की एक एक चीज डिटेल में देख सकते हो। और बस दो चीज याद रखना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के लिए तो आप फॉर्मेट याद रखोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। बजट पे आगे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से थ्योरी आते रहते हैं। पहले देखो
मीनिंग में क्या लिखा है हमने, कि बजट क्या होता है, ये फोरकास्ट क्या होता है। देखो ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है मैं मार्क कर दूंगा इंपॉर्टेंट। तो फोरकास्ट क्या होता है कि आगे आने वाली जो प्रोबेबल इवेंट है ना, उसको एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें कि भविष्य में कितना इनफ्लो हो सकता है, कितना आउटफ्लो होता है, कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कितना सेल करना पड़ेगा, दैट इज फोरकास्ट। अब फोरकास्ट में ही प्लानिंग जोड़ दो ना, तो ये हो जाता है बजट। मतलब बजट ना एक स्टेप आगे है फोरकास्ट से। उसमें प्रोबेबल इवेंट नहीं, प्लान्ड इवेंट, और पहले फोरकास्ट करते हैं फिर उसमें प्लान करके बजट बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तक तो चांसेस कम है इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन पूछने का, पर ध्यान रखना। प्रोबेबल इवेंट को एस्टिमेट करना, प्लान्ड इवेंट, ये प्राइमरी फर्स्ट स्टेप ये है, और ये क्या है, फोरकास्ट होने के बाद बजट बनाते हैं। वाइडर स्कोप, बहुत वाइडर स्कोप, किसी भी चीज को सोच सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो, पर हर एक चीज का बजट नहीं बना सकते, लिमिटेड स्कोप है। जिसका डेटा पता उसी का तो बजट बनाओगे, ठीक। यूज फॉर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डिफरेंस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए काम आता है, और ये भी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के काम आता है बाय कंपेयरिंग विथ एक्चुअल। बजट बनाते हैं और एक्चुअल जब हमें पता चल जाता है हमने एक्चुअल में क्या किया, तो उसको कंपेयर करके परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। ये ज्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए। देखो चांसेस कम है, एसेंशियल फीचर है बजट का, पर एक बार देख लो बजट क्या होता है। देखो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं, है कि नहीं, पीरियड के शुरुआत में पहले बनाते हैं, है कि नहीं। क्वांटिटेटिव या वैल्यू में होता है बजट, कि अमाउंट का बजट बना रहे हैं, है ना, अमाउंट में, या फिर सेल क्वांटिटी में बजट बना सकते हैं सेल्स का, या रुपीज में, है कि नहीं। तो ये प्रायर टू पीरियड बनाते हैं, डेफिनेट पीरियड के लिए बनाते हैं, मोनिटरी या फिजिकल यूनिट में बनाते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव जो है बजट का, वो भी बजट पीरियड से पहले ही, जिस पीरियड के लिए बना रहे हैं उससे पहले ही हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, किस लिए बजट बना रहे, याद रहेगा। इंपोर्टेंट मार्क नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत याद रखना। बजटेड रेशियो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये रेशियो इफिशियंसी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम रेशियो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी है, ठीक है। जब मैं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट बताया था, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, तो ये और प्लस कैलेंडर, ये चारों जो है वहां पे रेशियो लिखा हुआ है, और यहीं पे पढ़ा देता हूँ। देखो ये याद करने का फॉर्मूला कैसे है, बड़ी सिंपल सा है सर। यहाँ बजटेड ओवरहेड, सॉरी बजटेड आवर, एक्चुअल वर्किंग आवर, और यहाँ स्टैंडर्ड आवर। ये एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस इफिशियंसी है, इन दोनों का डिफरेंस कैपेसिटी है। देखो वेरियंस में माइनस करते थे, रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल डिवाइड बाय बजटेड। इफिशियंसी क्या है सर, स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल। वॉल्यूम क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, स्टैंडर्ड डिवाइड बाय बजटेड, सिंपल सा है। कैलेंडर में हमने क्या पढ़ा था, कैलेंडर वेरिएंस में सर, एक्चुअल वर्किंग डे माइनस बजटेड डे इनटू रिकवरी रेट पर डे, है कि नहीं, ये पढ़ा था। अब रेशियो में लिखना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में ना करके डिवाइड में कर दो, सॉरी माइनस में ना करके एक्चुअल वर्किंग डे ऊपर, बजटेड डे नीचे, डिवाइड में कर दो। ये लॉजिक मैंने वहां पे बता रखा है, याद कैसे करना है, ठीक, एक बार देख लेना आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नॉर्मल रिविजन लेक्चर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बजटेड रेशियो, ध्यान रखोगे थ्योरी क्वेश्चन के लिए। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज, यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी जो आपने सोचा था, बजट किया था, बजटेड कैपेसिटी, वो मैक्सिमम कैपेसिटी का कितना है। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, जो एक्चुअल आवर है, वो मैक्सिमम आवर के कितने हैं। टाइप्स ऑफ बजट इंपॉर्टेंट, डिफरेंस या मीनिंग पूछ सकता है। पता है फिक्स बजट, एक पर्टिकुलर इफिशियंसी लेवल पे जो बजट निकालते हैं उसको फिक्स, डिफरेंट इफिशियंसी लेवल 80%, 90%, 100% उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फंक्शनल बजट, ईच एंड एवरी एक्टिविटी का जो बजट निकालते हैं उसको फंक्शनल बजट, ठीक। थोड़ा बहुत देख लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फंक्शनल बजट का एग्जांपल, सेल बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, है कि नहीं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, मास्टर बजट,
सारे फंक्शनल बजट को एक जगह रख दो, समरी ऑफ ऑल वेरियस बजट, तो उसको बोलते हैं मास्टर बजट। ठीक है, मास्टर बजट में क्या, तो बजटेड पीएल एंड बजटेड बैलेंस शीट निकालने को आता है, तो थोड़ा बहुत ये याद रखना। कंडीशन के बेसिस पे बजट दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक बेसिक जो पास्ट डेटा को यूज करके, एक करेंट जो करेंट कंडीशन को यूज करके बनता है, पीरियड के अनुसार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिक्स फ्लेक्सिबल एंड फंक्शनल बजट ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। डिटेल में समझना है तो प्रैक्टिकल वाली जो हमने बजट का रिवीजन लेक्चर है उसको पढ़ना। बजटरी कंट्रोल है ना, एंड रिजल्ट है। बजट हम सोचते हैं इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद एक एंड रिजल्ट आता है कि इंप्लीमेंट करने के बाद, ये पूरी प्रोसेस को बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद क्या एंड रिजल्ट आया, ठीक। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, लिमिटेशन पूछ सकता है, ज्यादा चांसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, इलिमिनेट वेस्टेज। जाहिर सी बात है बजट बनाए हैं तो ये वेस्टेज होने नहीं देंगे, थोड़ा भी बजट के अनुसार हिलेगा डेटा कि एक्चुअल में हम ध्यान देंगे उस पर। प्रिडिक्ट फ्यूचर, हमने प्लान करके बनाया आगे आने वाली समय का, तो प्रिडिक्ट फ्यूचर, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, बजट बनाया तो सब डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन भी सही हो जाता है, हमें पता होता है परचेज कितना करना है, कंज्यूम कितना करना है, तो परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। करेक्ट डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, बजट बना लिया है, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड है, हम एक्चुअल में जब ऑपरेट करते हैं जहां भी फर्क आ जाए स्टैंडर्ड से, डेविएशन को वहीं पे करेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बजट बना रखा है ना, एक स्टैंडर्ड तय कर रखा है, नहीं कर रखे होते तो दिक्कत होता। लिमिटेशन क्या है, देखो बजट बनाना एक तो डिफिकल्ट है, दूसरा फ्यूचर प्रिडिक्शन अनसर्टेन, आगे के लिए सोच के बजट बना रहे वो अनसर्टेन है, तीसरा जो कि इट इज बेस्ड ऑन अ पास्ट डेटा विच इज नॉट रिलेवेंट फॉर चेंजिंग सरकमटेंस। बजट हमेशा पीछे को ध्यान देते हैं, उसी को बेस, पीछे का ही बेस बना के ना आगे फोरकास्ट करते हैं। अगर बार बार सिचुएशन चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है पीछे के ध्यान देके, जब मतलब पास्ट पीरियड को बेस बना के फ्यूचर के लिए बजट नहीं बनाया जा सकता। और गेने हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना ये इजी टास्क नहीं है, डिफिकल्ट टास्क। जीरो बेस बजटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बजट, मीनिंग समझो, अरे इतना आसान है क्या, थ्योरी को पता नहीं आप लोग क्या समझ रखे हो, मेरे से थ्योरी पढ़ो ना जिंदगी भर याद रहेगा, बहुत आसान होता है थ्योरी। ट्रेडिशनल बजट का मतलब क्या होता है, पिछले साल को बेस बना के इस साल बजट बना रहे, पिछले साल हमें पता है इतना यूनिट सेल हुआ था, इस साल 10% ज्यादा करेंगे, 10% बढ़ा दो, ठीक, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बजट। जीरो बेस बजटिंग, पिछले साल को बेस बना के नहीं, इस साल एनालाइज करेंगे, मार्केट में जाएंगे, सर्वे करेंगे, पता करेंगे हमारी प्रोडक्ट कितनी बेसिक बिक रही है या बिक सकती है, और तब बजट बना रहे हैं। ये ज्यादा डिफिकल्ट है ना, जीरो बेस बजटिंग, पिछले साल को बेस ना बना के हर एक चीज को बार बार फोरकास्ट करना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल बजट ईजी था, पिछले साल के बेस बना के कर लेते थे। चलो पहला, लास्ट ईयर को बेस बना के बनता है, ये नहीं बनता है, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच में, पिछले साल का बेस था, मैंने बताया था ना सेल था, माना है 10% एक साथ ज्यादा सेल करेंगे तो 10% बढ़ा दो, इंक्रीमेंटल अप्रोच में, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच में नहीं होता, हर एक साल फिर से एनालाइज करते हैं उस चीज को। अकाउंटिंग ओरिएंटेड, अकाउंटिंग है, और ये डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड, रियल में तो अकाउंटिंग ही हो गया है ना, पिछले साल को बेस बना के एक एस्टिमेट कर दे रहे हो, उसी में कुछ जोड़ घटाव कर दे रहे हो, पर ये डिसीजन मेकिंग, ये रियल में करेंट पीरियड को, करेंट सिचुएशन को, एक एक एलिमेंट को एनालाइज करके बजट बनाए, ठीक है। वही लिखा है, हर एक एक्टिविटी को रीवैल्यूएट नहीं करते बार बार बजट बनाते टाइम, पीछे के जो एक्टिविटी थे उन्हीं में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, इसमें हर एक एक्टिविटी को बार बार रीवैल्यूएट करना पड़ता है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अच्छा तो है डिसीजन मेकिंग के लिए, पर डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ट्रेनिंग चाहिए ये बनाने के लिए, दूसरा कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग है, हर एक साल सारे एक्टिविटी को फिर से एनालाइज करो, मेहनत भी लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस कॉस्टली भी है, एक छोटा मोटा डिपार्टमेंट ही बनाना पड़ेगा इसके लिए। इट इम्पेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रेदर देन लॉन्ग टर्म, देखो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए संभव नहीं है ये सब करना, कितना चीज को एनालाइज करोगे।
इट रिक्वायर मोर पेपर वर्क एंड पर्सनल, जाहिर सी बात है ज्यादा पेपर वर्क करनी पड़ेगी और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगा। सॉरी, प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजट इंपोर्टेंट। अभी आते हैं 7 नंबर पे, पता है मुझे कुछ छूट रहा है। प्रोग्राम बजट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का बजट बनाते हैं, उसी प्रोग्राम का रेवेन्यू, उसी प्रोग्राम का खर्चे वहां लिख के बजट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट मान लो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, कितना खर्चा लगेगा उस पर अगर बजट कर रही है तो प्रोग्राम बजट है कि नहीं, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो ठीक। परफॉर्मेंस बजट मान लो हम 80% इफिशियंसी पे काम करते हैं, ठीक है, 80% कैपेसिटी पे, अब हमें अपनी इफिशियंसी बढ़ानी है, इफिशियंसी बढ़ा के ज्यादा कैपेसिटी पे 90% पे काम करना है, तो 90% पे काम करने के लिए बजट बना लेंगे कि इतना 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 होना चाहिए सब चीज, और तब एक्चुअल में काम करेंगे और कोशिश करेंगे 90% के आसपास काम करें, है ना। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बजट बनता है ना, जैसे मैं यहाँ बना रहा था 90% परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव रख के, उसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। इट रिलेट टू ग्रेटर मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की ग्रेटर एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए हम 80% से क्या कोशिश कर रहे थे कि अपनी एफिशिएंसी बनाकर 90% कैपेसिटी पे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, बजट पीरियड कंट्रोल पीरियड का, जिस पीरियड के लिए बजट बनता है ना, मान लो 3 महीने के लिए मैं बजट बना रहा हूँ, उस पीरियड को बोलते हैं बजट पीरियड। ये जनरली मंथली क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है, पर कंट्रोल पीरियड होता है कुछ कुछ महीनों में, कुछ कुछ दिनों में। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है कि इंटरिम रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेगा अपनी परफॉर्मेंस का, और हेड को अपने से ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनको सबमिट करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल पीरियड, ठीक है। देखो जरा, पीरियड फॉर विच बजट इज प्रिपेयर्ड उसको बोलते हैं बजट पीरियड, पीरियड फॉर विच इंटरिम रिपोर्ट इज पीरियड प्रिपेयर्ड इसको बोलते हैं कंट्रोल पीरियड। ये बजट जनरली क्वार्टरली मंथली एनुअल हो सकता है। ये क्या होगा, मैनेजमेंट तय करती है कि कितने दिनों में बनाना है, कंट्रोल पीरियड कितना रखना है। देखो, इट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बजट शॉर्ट टर्म के लिए भी लंबे पीरियड के लिए भी हो सकता है, पर कंट्रोल जो पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म ही होता है। जनरली कुछ कुछ दिनों में ही वो रिपोर्ट बनाई जाती है और देखी जाती है अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट याद रखोगे, ट्रेडिशनल और जीरो बेस्ड बजटिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट और बैच कॉस्टिंग, आ जाओ यहाँ से, जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस मैं पढ़ा दिया। हाँ जी सर, एक ये याद रखना अच्छा पॉइंट है, यूनिट कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होता है, बैच कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होता है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये आप याद कर लोगे। चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था, ये बात बोला था कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग आपको याद रखना है, कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। दूसरा कि सर बैच कॉस्टिंग में एक इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला है, 2AS/C। पता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसा ही मिलता जुलता है, बस उसमें हम ध्यान देते थे कि कितना ऑर्डर करें कि हमारे लिए इकोनॉमिकल हो, कॉस्ट सेविंग हो, इसमें ध्यान देते हैं कि एक बैच में कितना बनाए कि हमारे लिए कॉस्ट सेविंग हो। टू का मतलब टू एक कॉन्स्टेंट है, ए मतलब एनुअल डिमांड, एस मतलब सेटअप कॉस्ट पर बैच, एक बैच करने के लिए सेटअप का कितना खर्चा आता है, कि सब सेटअप का कितना खर्चा आता है एक बैच के लिए, एक बार सेटअप होता होगा तो एक बैच बनता होगा। ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये परसेंटेज में होता है, परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लिए अप्लाई करना है, और ये पर एनम होता है, ठीक है। सेम वैसे ही मिलता जुलता है, और बताओ टोटल कॉस्ट निकालने को बोले तो वहां पे कैसे निकालते थे, ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, तो यहाँ सेटअप प्लस होल्डिंग करोगे, नंबर ऑफ सेटअप इंटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, और ये कैसे निकलता था, हाफ ऑफ EBQ, वहाँ पे EOQ होता था, इंटू कैरिंग कॉस्ट जो निकाले हो ना, परसेंटेज में दिया होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे परसेंटेज अप्लाई कर दोगे, कैरिंग कॉस्ट जो आएगा जो कि पर एनम होता है वो टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सर्विस कॉस्टिंग वो प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, फिक्स में कौन कौन से खर्चे आते हैं, वेरिएबल में कौन, एंड मेंटेनेंस में कौन, है ना। ये चीज मैंने बताया भी है, जब मैं RTP करवा रहा था तो सर्विस कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था, वहाँ RTP पे क्वेश्चन जो आया था उसके लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये सर्विस कॉस्टिंग में आएगा। तो क्या आएगा थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से कि पता है
कॉस्ट यूनिट बताइए। कॉस्ट यूनिट मतलब किस यूनिट में कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था, अगर राइस खरीदने जाते हो तो ₹80 पर केजी, केजी के यूनिट में एक्सप्रेस किया था राइस का कॉस्ट। वैसे ही जो ये खर्चे हैं सर्विस इंडस्ट्री के, जैसे ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। अगर पैसेंजर को ले जाती है तो जनरल, और गुड्स को ले जाती है तो कुंटल किलोमीटर, या फिर ट्रांसपोर्टेशन किलोमीटर, टन किलोमीटर जनरली। वैसे इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर, हॉस्पिटल पैसेंट डे, रूम डे, बेड डे पर ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन से रिलेटेड है तो, ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड है तो, बेड से है तो पर डे, पर बेड डे, पर बेड मतलब पर बेड पर डे, या फिर रूम डे एक रूम का। ये 4-5 याद रखना, 2-3 जो भी याद आए लिख देना। कैंटीन पर आइटम क्या है, कि एक आइटम का कितना कॉस्ट है, या फिर पर मील कितना खर्चा आता है। होटल का गेस्ट डे या रूम डे, सिनेमा टिकट। वैसे ही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। फिर पर सर्विस, पर एप्लीकेशन, एजुकेशन पर कोर्स, पर स्कोर इतना फी है, पर स्टूडेंट इतना फी है कि नहीं, पर बैच या पर लेक्चर, इंश्योरेंस पर पॉलिसी, पर क्लेम। वैसे आईटी वाईटी से रिलेटेड है कॉस्ट पर प्रोजेक्ट या मॉड्यूल, ध्यान रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आईटी वाईटी वाला। पर ऊपर जो है हॉस्पिटल का हो गया, होटल का हो गया, और क्या, ये हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, सिनेमा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब थोड़े आते रहते हैं बार बार, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है इक्विवेलेंट यूनिट का, ठीक है। चलो याद रखोगे सर्विस ज्वाइंट एंड बाय। देखो जो, सॉरी स्टैंडर्ड वन, 5 क्वेश्चन आते हैं ना आपको, शायद 4 करने होते हैं, है ना, 5 मार्क्स इच, 20 मार्क्स के। ओल्ड वाले जो बच्चे हैं उनको 4 करने होते हैं, 4 मार्क्स इच, 16 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन में से चैप्टर नंबर 1 जो है ना, 5 क्वेश्चन आपका आता है, 4 उनको, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो लगभग चैप्टर नंबर 1 से ही आते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ना। बचे हुए 3 क्वेश्चन ये जो पढ़ रहे हैं ना, हर एक चैप्टर का जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इन्हीं में से आता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं और बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, वहां एक्यूरेसी रेट ज्यादा चाहिए, है कि नहीं, प्रैक्टिकल में एक्यूरेसी रेट ज्यादा चाहिए। थ्योरी के लिए मोर देन सफिशियंट पढ़ा रहा हूं मैं, ये सब चीज को ध्यान रख के जाना आराम से। उस 5 में से 5 तो छोड़ो, कभी कभी कोई एक्स्ट्रा आ भी गया इधर उधर से, वैसे आता नहीं है, इन्हीं में से आएगा सब, तो 4 क्वेश्चन तो आएगा आएगा, वही 4 तो करने हैं आपको, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, बी रिलैक्स। इसमें से देखो प्रैक्टिकल के लिए तो मैंने सारा चीज ही पढ़ाया था, अब बाई चांस कोई उसी में से थ्योरी आ जाए तो आप लिख ही सकते हो। स्पेशली थ्योरी के लिए ये इंपॉर्टेंट था, ये रेशियो वाला जो कि बजट में हमने पढ़ लिया, इफिशियंसी कैपेसिटी वॉल्यूम रेशियो, बजट में तो बल्कि 6-7 रेशियो पढ़ा था वहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चैप्टर वाइज देखो सारा, कौन से चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया, हर एक चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन टिक करवाए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पास्ट में और यही सब क्वेश्चन में से मिक्स होके आते रहते हैं, कि कभी ये कभी वो रोटेट हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी में से पूछता है इंस्टीट्यूट, ये नहीं कि पूरी बुक में से एक लाइन उठा दिया कुछ भी पूछ दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक। चलो पढ़ते रहना है और देखो क्या बोलते हैं। आप लोग जो भी बच्चा ये देख रहा है टेलीग्राम को, या लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को वहां पे जाके ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे 2 चैनल है, एक तो ये सारे मटेरियल आपको कहाँ मिल जाएंगे जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी बुक से तो मैं पढ़ाता हूँ, रिविजन लेक्चर सारे इसी बुक से पढ़ाया था। ये बुक थ्योरी या रिविजन प्रैक्टिकल दोनों को ध्यान दे के, ये तो वो बुक है ना कि मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ उसी को बुक में बस कर दिया है, समराइज है कि नहीं। तो ये वहां मिल जाएगा, सीए प्रकाश पटेल नाम की जो वो टेलीग्राम पे चैनल होगा वहां पे। दूसरा डाउट वाला भी ज्वाइन करना, क्यों,
क्योंकि अब देखो जैसे रिवीजन लेक्चर खत्म हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशन में काफी टाइम है, अब थोड़ा आपको आप दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं करता कहता पर्टिकुलर उस पे बस कि पर्टिकुलर क्वेश्चन पे दिक्कत आए, आपको इन जनरल में दिक्कत आ सकती है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ यार। एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट हो, आप पढ़ाई से रिलेटेड या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, या फिर कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस, आपको बेनिफिट लेनी चाहिए मेरी एक्सपीरियंस की, और दोनों ज्वाइन कर लो। और डाउट वाले पे आप डाउट पूछो, मैं चाहता हूँ कि डेली मैं वहां पे एक यूट्यूब पे पढ़ाने के साथ साथ ऐसा वीडियो डालू कि आप लोगों के काम आए और आप लोगों को मोटिवेट करे। तो वहां पे डाउट वाले पे ज्वाइन करके अपने डाउट लिखो, जिस भी चीज से रिलेटेड है, एग्जामिनेशन से, स्टडी से, किसी सब्जेक्ट मैटर से। ठीक, चलो, कहीं कोई दिक्कत आए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हमेशा ही अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। हाल फिलहाल बीच में मेरी काफी सीरियस तबीयत खराब हो गई थी, वो मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था आप लोगों को, तो थोड़ी सी मैं अवेलेबल नहीं था उस समय। बट नाउ आप लोगों को बस जो भी है कि जो चैनल है वहाँ पे जहाँ पे पीडीएफ या लेक्चर के लिंक्स वगैरह पड़े होते हैं, एक तो उसको ज्वाइन कर लो जो मेरे नाम से खुला हुआ है, दूसरा डाउट वाला ज्वाइन कर लो, और वॉट एवर जो आपकी दुविधा है एज एक मेंटर समझ के, एक अपने से मतलब नहीं होता कि आपसे उम्र में बड़ा हूँ वो समझ के, आप वो डाउट या आप अपनी कंफ्यूजन मुझसे शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, अगर आपको कहीं और दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ को लेके, करियर को लेके डिमोटिवेट हो गए हो, एग्जामिनेशन का प्रेशर हो गया है, या कोई और चीज़ है जिसमें मेरी सलाह शायद आपको काम आए, या मेरी जो एक्सपीरियंस है आपको काम आए, तो मैं कोशिश करूंगा शेयर करने के लिए। आप प्लीज़ वहाँ पे डाउट वाले जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपने डाउट पोस्ट करो। ठीक, आप सिंगल वैसे मैसेज भी कर सकते हो,